एक साल तक तो भोजन वहाँ ही देते, पेड़ पौधे नहीं देते हैं, भैंस भी नहीं देती, गैया नहीं देती, फिर आगे भोजन कौन देता? देखो जो भी हमें भोजन देते सब मेरी माँ है, जो हमारा स्वास्थ्य ठीक करते हैं वो सब माँ है, ठीक होता है उसमें इतने औषधि गुण होते हैं इसलिए उसको माँ कहते हैं। गाय, गाय के दूध में इतने औषधि गुण होते हैं इसलिए उसको हम माँ कहते हैं। जन्म के बाद शुरुआत के समय में माँ हमारा पालन करती है, इसके बाद हमारा पालन कौन करते हैं? इसीलिए हम लोग धरती को। अब ये बताओ पेड़ों को भोजन कौन देता, इन्हें कौन खाना खिलाने आता, सोचा कभी? बोलो ना, सूर्य देता। ये पेड़ इतने परोपकारी है कि हमको तो भोजन देते ही है, अपने आप को भोजन।